सरोकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट पर 11 बजे करेंगे विस्तृत बातचीत। कोरोना के चलते आज से शिफ्ट में होगा संसद का कामकाज। सुबह चलेगी राज्यसभा तो शाम में चलेगी लोकसभा की कार्रवाई। आज आगरा में अपनी पहली रैली करेंगी बसपा प्रमुख मायावती। उत्तराखंड दौरे पर प्रियंका गांधी देहरादून में करेंगी वर्चुअल रैली। प्रियंका गांधी ने वित्त मंत्री पर बोला हमला, कहा हमको यूपी की भाषा बोली संस्कृत और इतिहास पर गर्व। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के यूपी टाइप बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। चुनावी मौसम में कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने की रणनीति में जुटी हुई है। वित्त मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर सीतारमण को घेरना शुरू कर दिया है। वित्त मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर उन पर निशाना साधा। प्रियंका ने सीतारमण के बयान को यूपी के लोगों का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि यूपी के लोगों को यूपी टाइप होने पर गर्व है, हमको यूपी की भाषा बोली संस्कृति और इतिहास पर गर्व है। जिसके बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट के जरिए वित्त मंत्री पर हमला बोला। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं राजनीति सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं और विवादित बयानों का खेला भी चरम पर पहुंच गया है। एक ऐसा ही विवादित बयान अलीगढ़ के इगलास में एक रैली के दौरान आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने दिया। इस दौरान जयंत ने बीजेपी वालों की चर्बी उतारने की बात कही। आप भी सुनिए और क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चल रही है सारे नेताओं की चर्बी उतार को आ बीजेपी को लेकर यह बयान दिया गया है, जिसके बाद से वो बीजेपी के निशाने पर भी आ गए हैं। दो दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव ने सदर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी अदिति सिंह के पक्ष में डोर टू डोर प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने खुद के ऊंचा हार विधानसभा से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि जहां से बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व निर्देश करेगा वहां से वो चुनाव लड़ेंगी। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में कोरोना प्रोटोकॉल और आचार संहिता की भी जमकर धज्जियां उड़ी। जनसंपर्क की व्यवस्था दी थी, हम घर घर जाकर के सबको अपने पर्चे बांटे हैं और हमारी युवाओं के साथ बैठक थी, महिलाओं के साथ बैठक थी और अभी भी जिस उसमें आई मैं सदर विधानसभा में आई रायबरेली के, तो मैं प्रभावी मतदाता मीटिंग में आई हूँ और उसी के तहत में सबसे जनसंपर्क काम मिल रहा है। सभी बहुत खुश हैं और कई लोग बहुत संतुष्ट हैं कि उनको राशन मिल रही है, उनको जो है दवाई मिल रही है और जो है बहुत सारे महिलाओं से मैंने पूछा कि आपको किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं, तो उन्होंने शौचालय के बारे में भी बात करी और जो है मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के अपर सत्र न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को साल 2009 के गैंगस्टर के मामले में जमानत दे दी है। हालांकि मुख्तार अंसारी अभी भी बांदा जेल में बंद है। इस बात की जानकारी मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने दी। वहीं इस दौरान एडवोकेट लियाकत अली ने बताया कि हाईकोर्ट के डायरेक्शन के साथ गाजीपुर जिला एवं सत्र न्यायालय की एडीजे फर्स्ट कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। गैंगस्टर के मुकदमे में अधिकतम सजा 10 वर्ष है।
10 वर्ष के बाद किसी भी व्यक्ति को, यह कानून है 436 ए में सीआरपीसी में, यह कानून है कि किसी भी मामले में जो है अधिकतम सजा से ज्यादा किसी व्यक्ति को जेल में निरुद्ध नहीं रखा जा सकता। तो उनको 12 वर्ष 8 महीना हो गया, तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट पिटीशन जो है हैबियस कॉर्पस दाखिल किया गया था कि यह इलीगल डिटेंशन है, 12 वर्ष हो 8 महीना इलीगल डिटेंशन है, इसलिए उनको जमानत पर रिहा किया जाए, जिसके तहत माननीय उच्च न्यायालय ने 11 जनवरी 2021 को एक आदेश पारित किया है कि इनको जो है 436 ए और 428 के सीआरपीसी के तहत इनको जमानत पर रिहा किया। मैनपुरी में नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे करहल और किशनी विधानसभा से बसपा प्रत्याशी। इस दौरान बसपा प्रत्याशी दीपक पेंटर और प्रभु दयाल जाटव ने दावा किया वो आगामी चुनाव में अपनी जीत दर्ज करेंगे। आगे प्रभु जाटव ने कहा कि मायावती की सरकार में कानून का राज था और वहीं चुनाव जीत कर वो हर वर्ग का विकास करेंगे। और कौन सी पार्टी से नामांकन किया है आपने? कुलदीप नारायण उर्फ दीपक पेंटर बहुजन समाज पार्टी से। जी, कहाँ से किया नामांकन? करहल विधानसभा। करहल विधानसभा से आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनाव लड़ रहे हैं, एक मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे आप वहाँ? हम पूरी दमदारी से वहाँ चुनाव लड़ेंगे और हम करहल के लिए कोई नए प्रत्याशी नहीं हैं। मंत्री जी बाहर से आए हुए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, लेकिन हम एक संगठन के कार्यकर्ता रहे हैं, लगातार 8 साल बीएसपी के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, तो करहल में बच्चा बच्चा जानता है। सबसे ज़्यादा जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो अत्याचार भी करहल विधानसभा में होता है और हम अपनी पूरी टीम के साथ लगातार उनके बीच में जाके उनको जिला मुख्यालय पर अधिकारियों से मिलवा के उनकी तमाम समस्याओं का निदान कराते रहे। जी, आपकी विधानसभा? किसनी। नाम? अच्छा, क्या है? नाम क्या है आपका? प्रभु दयाल जाटव। आज आपने नामांकन किया है, किस पार्टी से किया है, कौन सी विधानसभा है? बहुजन समाज पार्टी से, किसनी विधानसभा 109। अच्छा, आप अपनी जीत की संभावना कितनी देखते हैं? 110% सीट पूर्ण बहुमत के साथ जीत के आ रहे हैं, बाकियों की तो जमानत जब्त होनी है। ऐसे किन मुद्दों को लेकर मतदाताओं के बीच जा रहे हैं? मुद्दे वही हैं, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और ये गुंडागर्दी, इनकी गाय भैंस और महंगाई, बहुत सारे मुद्दे, विकास, रोजगार, इतने मुद्दे हैं कि जो गिनाते हैं। संभल के असमोली से बसपा प्रत्याशी रफत उल्ला उर्फ छिद्दा नेता ने जगह जगह जनसंपर्क और नुक्कड़ सभाओं का आयोजन करके जनता से वोट मांगे। इस दौरान रफत उल्ला ने कहा कि हर स्तर पर क्षेत्र नरक बने हुए हैं, जबकि पीने के पानी की भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है और विकास के नाम पर ठगा गया है। आगे बसपा प्रत्याशी ने कहा कि अगर जनता ने मुझ पर भरोसा जताया तो बिना किसी भेदभाव के क्षेत्र का विकास करेंगे। तो संभल से ये खबर सामने आ रही है जहां नुक्कड़ सभाओं के जरिए जनता से वोट की अपील की। बसपा प्रत्याशी ने जनसंपर्क किया और सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पीने के पानी की भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, हर जिला नरक बना हुआ है और जनता से वोट की अपील की। आपको बता दें कि रफत उल्ला ने कहा कि हर स्तर पर क्षेत्र नरक बने हुए हैं, पीने के पानी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, विकास के नाम पर ठगा गया है। और साथ ही बसपा प्रत्याशी ने कहा कि अगर जनता ने मुझ पर भरोसा जताया तो वो बिना किसी भेदभाव के क्षेत्र का विकास करेंगे। तो सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए हैं बसपा प्रत्याशी। 2022 के विधानसभा चुनाव में मतदान को लेकर बिजनौर के डीएम ने पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान डीएम ने पत्रकारों को बताया कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन द्वारा कैंपेनिंग चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसके साथ ही प्रशासन ने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम मीडिया के जरिए किया जाएगा। मैं तुम्हारे अनुरोध को स्वीकार करता हूँ तथा दिनांक 14 फरवरी 2022 को अपने मतदेय स्थल जाकर मतदान करने का संकल्प लेता हूँ, लेती हूँ, जो भी होगा। इस प्रकार हम लोग
मैं तुम्हारे अनुरोध को स्वीकार करता हूं तथा दिनांक 14 फरवरी 2022 को अपने मतदेय स्थल जाकर मतदान करने का संकल्प लेता हूं, लेती हूं, जो भी होगा। इस प्रकार हम लोग चाह रहे हैं कि समाज के हर व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में है, जो मतदान करने के लिए अर्ह है, जो इस जिले का मतदाता है, वह किसी न किसी कोने से सेंसिटाइज जरूर हो, और जो भी इसके लिए बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, उन माध्यमों से वहां तक उनके दिमाग में बात पहुंचनी चाहिए कि अच्छा 14 तारीख 10 दिन रह गई, 5 दिन रह गए, 2 दिन रह गए, अच्छा एक ही दिन रह गया, कल ही करना मतदान। इस प्रकार का हमारा एक सबका सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि हम अपने मतदाताओं को मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार करें कि हाँ वो उस दिन जा करके उस दिन मतदान जरूर। मामला फतेहपुर जनपद के बिंदकी का है, जहां पुलिस के जवान डोमिनेशन करके लोगों को बिना किसी दबाव और डर की अपील कर रहे हैं, तो वहीं चुनावों और दुरुस्त कानून व्यवस्था के बावजूद दो पक्षों में अतिक्रमण को लेकर युद्ध छिड़ गया, जहां फाटक बाजार से लेकर सरस्वती विद्या मंदिर तक नशेड़ियों का आतंक देखने को मिला, जिस कारण से इस रास्ते पर स्थानीय लोग जाने से डरते हैं, जबकि प्रशासन से इस मामले की शिकायत करने के बावजूद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रायबरेली के महाराजगंज कोतवाली में हुए शराब कांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। शराब कांड का मुख्य आरोपी केतन सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने शातिर शराब तस्कर के साथ शराब कांड में शामिल लगभग 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से एक गाड़ी सहित भारी मात्रा में शराब की पेटियों को बरामद किया है। जो लोग भी इन्वॉल्व थे उन पर जितने भी हमारे विधिक प्रावधान हैं, NSA गैंगस्टर है, सभी को लगाया जाएगा। साथ ही अभी पुलिस कप्तान ने बताया जैसे कि वेचना जारी है, तो जैसे जैसे वेचना इनकी खुलती जाएगी और चीज़ें सामने आती जाएंगी तो विधि अनुरूप सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पे जो चेकिंग की गई थी उसमें वो शराब को उसका QR कोड वगैरह चेक कर लिया गया था, वो सही पाई गई थी। ये जितने भी स्पूरियस लिकर के केसेस हैं, इनके टेट्रा पैक को चेकिंग करने पर या इनके सामान्य पैक को चेकिंग करने पर, इनकी QR कोड स्कैन करने पर कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो ये स्पूरियस। संसद के बजट सत्र की कार्यवाही आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के साथ शुरू होगी। दोनों सदनों में बहस के लिए 12 घंटे का समय दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को लोकसभा में और 8 फरवरी को राज्यसभा में बहस पर अपना जवाब दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हरीश द्विवेदी आज लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे, जबकि पार्टी की गीता उर्फ चंद्रप्रभा राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे। बजट सत्र के तीसरे दिन यानी आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर पहले स्पीकर होंगे, जबकि कुल 12 घंटों के बहस के समय में से विपक्षी दल कांग्रेस को 1 घंटे का समय आवंटित किया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।